मूवी की स्टार्टिंग में हम 1993 में हॉली स्प्रिंग नाम की एक जगह को देखते हैं। इस जगह पर चार लड़कियां पार्टी करने के लिए आई होती हैं। जब वो सभी लोग पार्टी करने के साथ डांस कर रही होती हैं, तो बाहर से उन्हें एक चैड नाम का बंदा उन्हें देख रहा होता है। चैड ट्रिस का बॉयफ्रेंड है, मगर चैड ने उसके साथ चीट किया, इसलिए वो उसके साथ नहीं है। चैड तभी देखता है कि दूसरी तरफ कोई दूसरा आदमी भी खिड़की से अंदर देख रहा है। वो दूसरी तरफ जाके देखता है कि वो आदमी कौन था, तो उसे वहां पहले तो कोई नहीं दिखता है, मगर बाद में एक आदमी बड़ी सी ड्रिल मशीन के साथ में आता है और उसी ड्रिल मशीन से उसे मार देता है। अब अंदर इन सभी लड़कियों को पता चले बगैर वो चुपके से अंदर आ जाता है। एक लड़की जो इधर किचन में थी, ड्रिल किलर उसे पहले मार देता है और बाद में बचे हुए लोगों को भी वो किलर मार देता है। अब लास्ट में ट्रिस बचती है। ट्रिस एक कमरे में जाकर छिपती है, लेकिन जब वो किलर ड्रिल मशीन को डोर पर चलाता है तो ट्रिस के हाथ में ड्रिल मशीन घुस जाती है। अब ट्रिस यहाँ से भागकर लेक के पास में जाती है। ट्रिस उस किलर से किसी तरह बचकर पहले उसके ड्रिल को पानी में गिरा देती है और बाद में वो उसी किलर को भी उस लेक में गिरा देती है। सो अब मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां हम ट्रिसा की बेटी डायना को देखते हैं। डायना इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ में कैंपिंग पर जाने की तैयारी कर रही होती है। डायना इसी समय ब्रॉडकास्ट में सुन रही होती है कि ड्रिल कलर, जो कि जिसका नाम रस थॉर्न है, उसकी डेथ बॉडी मिली नहीं थी, तो वो शायद अभी भी जिंदा हो सकता है। ट्रिसा यहाँ पर आकर अपनी बेटी को ध्यान के साथ में जाने को कहती है। यह बात ऑब्वियस है कि जैसा कि उसके साथ में हुआ था, तो इस बात के लिए उसे अपनी बेटी के लिए काफी चिंता है। अब डायना अपने फ्रेंड्स से मिलती है, जो कि है ब्रैनी, एस्ली और मैव। वो सभी लोग निकलने वाले होते हैं, मगर इधर ट्रिसा डायना को केयरफुल रहते हुए उसे बाय करती है। तभी हम यहाँ पर यह देखते हैं कि डायना के हाथ पर वही पुराना निशान अभी भी पड़ा हुआ है। अब सभी लोग कार में सफर करते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रहे होते हैं। डायना जब पीछे रखे हुए बैग्स में से अपना बैग निकालती है, तो उसे वहां पर किसी का हाथ टच होता है। लड़की आप जल्दी से गाड़ी रोक देती है, जिसके बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो मैव की छोटी बहन एलेक्स है। एलेक्स चुपके से कार में बैठकर उनके साथ में जाना चाहती थी। इधर मैव और बाकी लोग उसे वापस छोड़ने जाने की बात करते हैं, लेकिन अगर वो उसे वापस छोड़ने गए तो बहुत ही ज्यादा टाइम निकल जाएगा, इसलिए वो एलेक्स को अपने साथ में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग यहाँ से निकलते ही हैं कि इनकी कार खराब हो जाती है और ये लोग एक गैस स्टेशन पर अपनी कार को बनवाने के लिए रुकते हैं। इस तरफ डेव नाम का एक मैकेनिक उनकी कार को चेक करता है, तो वो उन्हें बताता है कि कार का एक पार्ट खराब हो गया है और वो उन्हें कल तक ही मिल पाएगा, इसीलिए इन लड़कियों को आज के लिए यहीं कहीं रुकना होगा। वो लड़कियां इस स्टोर पर के नाम की एक ओल्ड लेडी से मिलती हैं, जो वो उन्हें बताती है कि पास में ही लेक के पास में एक कैबिन है जहां तुम सभी लोग रुक सकते हो। इस तरफ डायना और मैव जब टॉयलेट की तरफ होती है, तो यहां पर हम एक अनजान आदमी को देखते हैं। अब ये लड़कियां उस ओल्ड लेडी के पीछे जाती हैं। वो जंगलों से होते हुए किसी जॉली स्प्रिंग नाम की जगह पर जा रहे होते हैं और फाइनली जल्द ही वो लोग एक लेक हाउस के पास में पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि 1993 में हमने जो हॉली स्प्रिंग वाली जगह देखी थी, वो यही जगह है। कैबिन में पहुंचने के बाद में के चली जाती है और इधर ये लड़कियां इस जगह पर बिना देरी के पार्टी करना शुरू कर देती हैं। ये सभी लोग इस तरफ काफी मजे के साथ में डांस पार्टी एंजॉय कर रही होती हैं, तभी बाहर से डेव आता है। डेव उनके कार का वो पार्ट लाया होता है जो कि खराब हो गया था। डेव कैबिन के अंदर से म्यूजिक की आवाज सुनता है, जिसके बाद में वो खिड़की से जाके झांक के देखता है। वो देखता है कि सभी लड़कियां डांस कर रही हैं और उन्हें डांस करता हुआ देखकर डेव खुश हो रहा है। अब तभी डेव यहाँ किसी आदमी को देखता है। वो उसे डरते हुए कहता है कि मैं तो ये सप्लाई देने के लिए आया था। इतना कहने के बाद में डेव यहाँ से जाने लगता है, मगर ये जो भी शख्स था वो भी उसके पीछे जाता है। इस तरफ पार्टी में एलेक्स अपने आप को बोर फील कर रही होती है, जिसके बाद में वो यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है। वो लेक के पास जाकर उस पार दूसरे कैबिन में उसे कोई लड़का दिखता है, तो वो उसे हाय करती है और उसके बाद वो जंगलों की तरफ चली जाती है। एलेक्स काफी दूर तक चली जाती है, जहाँ उसे जमीन में टॉर्च मिलती है। वो सामने एक गाड़ी को देखती है, इस कार में डेव था, मगर जब एलेक्स उस कार के डोर को खोलती है तो उसमें डेव मरा हुआ था। ये देखकर एलेक्स जल्दी से यहाँ से भागती है। डेव को मरा देखकर यही लग रहा था कि कैबिन के बाहर उसे जो भी शख्स मिला था उसी ने ही इसे मारा होगा और वो शख्स पक्का ड्रिल मैन ही होगा। इधर एलेक्स भाग के अपने साथियों के पास में जाकर उन्हें बताती है कि बाहर कोई किलर है जिसने डेव को मार दिया। ये बात सुनकर ये सभी पहले उसकी बातों का बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन जब वो उस पर यकीन करते भी हैं तो इस बात को वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। एक्चुअली इन लड़कियों की यहाँ पर आने की पहले से ही प्लानिंग थी। जैसा कि न्यूज में बताया गया था कि रस थॉर्न अभी भी जिंदा है, तो वो सभी लोग हॉली लेक पर आकर उसे मारने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, क्योंकि इस वजह से डायना की मॉम को अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं। अब तभी उनके डोर पर कोई नॉक करता है। डायना हथियार लेके जाके डोर खोलती है, तो ये कोई और लोग थे। ये दोनों शख्स पास के सामने वाले कैबिन में रुके थे। एलेक्स ने उन्हें हाई किया था, तो ये लोग भी इनसे मिलने के लिए आए हैं। इन दोनों के साथ तीन और बाकी लोग भी उनके कैबिन में हैं। इधर ये लड़की आपस में डिस्कस करती है कि ये किलर वाली बात हमें इन्हें बताना चाहिए या नहीं। अब तभी मैट तकिए के पीछे एक नाइफ को छुपा हुआ देखता है, जिसे देखने के बाद में वो जॉन को बाहर लेके चला जाता है। बाहर मैट जॉन से बताता है कि इन लड़कियों ने पिलो के नीचे नाइफ को छिपाया हुआ है, हो सकता है कि ये सभी किलर गर्ल्स हों। वो दोनों यहाँ से निकलते हैं और एक बार फिर से हम रस थॉर्न को देखते हैं और अब वो इनके पीछे लग गया है। अब ये दोनों लोग अपने कैबिन में जाते हैं
है, जहाँ तीन और मेंबर्स होते हैं जिनका नाम सीन, गाय वन और गाय टू है। ये सभी लोग बात कर रहे होते हैं और गाय वन बाहर टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। अब इसी दौरान गाय वन को रस्थॉन मिलता है। गाय वन उसे देखकर हैरान नहीं होता है, बल्कि वो उसे कहता है कि मुझे पता था कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन अब इतने में ही वो अपना ड्रिल मशीन निकालता है, जिसे देखने के बाद गाय अब भागने लगता है। लेकिन हड़बड़ाहट के चक्कर में वो भाग नहीं पाता और रस अपने ड्रिल मशीन से उसे मार देता है। इस तरफ अंदर बाकी लोग पिलो फाइट करते हुए डांस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये लड़कियां अपने कैबिन से निकलकर हथियारों के साथ में इन लड़कों से उस किलर वाली बात को कहने के लिए जा रही होती हैं। वो सभी उनके कैबिन के बाहर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वे सभी लोग अंदर बच्चों की तरह मस्ती करते हुए डांस कर रहे हैं। इस बात पर वे सभी आपस में डिस्कस करती हैं, जिसके बाद अब इसी दौरान कैबिन के अंदर लाइट चली जाती है। इसी दौरान अंदर रस्थॉन आके एक लोग को मार देता है। लड़कियां भी अब अंदर चली जाती हैं। इन सभी लड़कियों के पास में हथियार होता है, तब वो इन लड़कियों को ही किलर समझ लेते हैं। लेकिन लड़कियां बताती हैं कि रस्थॉन जिंदा है और वो सभी लोग को मार रहा है। इस बात पर तीनों लड़के तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग अपने अपने टाइप के हथियार को लेकर ड्रिल मैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ लड़कियां बची थीं, जिसके बाद में वो लोग भी रस्थॉन को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। अब जब वो सभी लोग बाहर होती हैं, जिसके बाद जैसे ही ड्रिल के चलने की आवाज आती है तो बाकी लोग तो भाग जाती हैं, लेकिन डायना नहीं भागती। वो उसका सामना करना चाहती है, जिसके बाद में जब रस्थॉन उसके सामने आता है तो डायना उसके ऊपर हमला करती है, मगर ड्रिल से उसका नाइफ गिर जाता है, जिसके बाद में डायना भागने लगती है। अब डायना के जंगल की तरफ जाने पर उसे सीन मिलता है, जिसके बाद में सीन अपने गिटार की मदद से उस किलर पर हमला करता है। लेकिन एक ड्रिल मशीन के आगे गिटार का मुकाबला कहां होगा, जिससे गिटार टूट जाता है और सीन भी बहुत बेरहमी से मारा जाता है। डायना फिर से भागती है और इस बार वो भागते हुए अपने कैबिन में जाती है। वो सभी कैबिन का डोर बंद कर लेती है, लेकिन रस उसे ड्रिल की मदद से तोड़ देता है, जिसके बाद वो खून का पीछा करते हुए उसे ढूंढता है। लेकिन ये सब तो बस इन सभी लड़कियों की प्लानिंग थी। सभी लड़कियां उसके ऊपर हमला कर देती हैं, जिसके बाद में यहाँ पर रस्थॉर्न एज नोन एज ड्रिल मैन मारा जाता है। एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उसकी डेड बॉडी पर और कई बार वार किया जाता है। अब अगले दिन सुबह हो जाती है, लेकिन डायना एक बार फिर से उसकी बॉडी पर मारकर उसे चेक करती है, क्योंकि उसके अंदर अपनी मॉम के चलते काफी गुस्सा भरा हुआ था। लेकिन दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए जॉन और मैट देख लेते हैं। अब उन दोनों का शक और बढ़ जाता है कि ये सभी किलर गर्ल्स हैं, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये रस्थॉन की बॉडी है। वो दोनों वापस अपने कैबिन पर जाते हैं। वो पुलिस को कॉल करने वाले थे, लेकिन नेटवर्क इस जगह पर नहीं आ रहे होते हैं। मैट फ्रिज से बियर निकालता है, लेकिन इसमें एक डेड बॉडी थी जिसे वो देख नहीं पाता है। ये गाय वन होता है, जिसे उसे रस्थॉन ने मारा था। मैट को किसी चीज की यहाँ पर बदबू भी आ रही थी, मगर उसे लगता है कि ये उसके शरीर से ही आ रही है, जिसके बाद में वो नहाने के लिए जाता है। अब जब वो नहा रहा होता है तो इसी दौरान यहाँ पर आकर कोई उसे मार देता है। इधर ये लड़कियां एलेक्स को इस बॉडी को देखने के लिए छोड़कर अंदर पुलिस को कॉल करने के लिए चली जाती है। एलेक्स इस बॉडी के पास में रहकर बोर हो गई थी, जिसके बाद में वो भी अंदर चली जाती है। इस तरफ एसली कार ठीक कर रही थी, मगर कोई आकर उसे भी मार देता है। अब वो लड़कियां जब बाहर देखती हैं तो इधर रस की बॉडी गायब हो चुकी थी और साथ ही में उन पर कोई हमला भी कर रहा था। ब्रैनी बाहर की तरफ देख रही होती है तो उसकी आंख में कील आकर लगती है, जिससे वो भी मारी जाती है। इन सभी को लगता है कि शायद ये सब जॉन कर रहा है। डायना जब बाहर जाती है तो उसे जॉन मिलता है, तो वो उस पर हमला करती है, लेकिन जॉन खुद ही डरा हुआ था। वो दोनों लोग एक दूसरे को ही मर्डरर समझ रहे थे, लेकिन डायना उसे समझाती है, जिसके बाद में वो दोनों कार से जाने वाले थे, मगर जॉन अभी भी उससे डरा हुआ था, जिसके बाद में वो अकेले ही यहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद डायना को यहाँ पर के मिलती है। वो के को पूरी बात बताती है, लेकिन हमें कुछ देर बाद पता चलता है कि के रस की मदर है। इस बात को पता चलने पर ये दोनों लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे ये दोनों लोग घायल हो जाते हैं। डायना भागते हुए कैबिन की तरफ जाती है और के भी उसे मारने के लिए उसके पीछे आ रही होती है। के दरवाजा तोड़कर उसे अंदर आकर मारने वाली ही थी कि तब तक यहाँ पर ट्रिसा आ जाती है। अब ट्रिसा और के बीच में फाइट होती है। के ट्रिसा के गले को दबा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर डायना आकर उसे छुड़ा लेती है। ट्रिसा को तभी यहाँ पर ड्रिल मशीन का बिड मिलता है, जिसे वो के पेट में घुसा देती है, जिससे उसकी मौत होती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2021 की एक हॉरर स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है स्लम्बर पार्टी मसैकर। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।